आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य अभियान के तहत जनपद कानपुर देहात की रनिया स्थित खुशी प्लाजा में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची। कैबिनेट मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में विद्युत उत्पादन क्षमता 2.48 लाख मेगावाट थी, जो कि बढ़कर 4 लाख मेगावाट हो गई है, जो हमारी मांग से 1.85 लाख मेगावाट अधिक है। इस कारण अब भारत पड़ोसी देशों को भी बिजली का निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले ग्रिड से जोड़ा गया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो 8 वर्षों के इस कार्यकाल में 2,52,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी, जब 2014 में मोदी जी को इस देश की कमान मिली थी। 14 से लेकर के 22 तक 1,58,000 मेगावाट बिजली मोदी जी ने बढ़ाई है और पूरे देश में आज 4 लाख मेगावाट बिजली एनटीपीसी पैदा कर रहा है, जबकि हमारी खपत से लगभग हम लोग 1,35,000 मेगावाट ज़्यादा बिजली। आज बिजली महोत्सव था और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो हमारी आज की दिशा में जो बिजली की बढ़ोतरी हुई है, और हम समझते हैं कि ये जो 2045 तक जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूर्ण हो जाएंगे, उस वर्ष तक हम बिजली गांव-गांव घर-घर में पहुंचाने में पूर्णतया सफल अभी भी हुए हैं, लेकिन और सफल हो जाएंगे। 2017 से जो हमारा टारगेट था वो काफ़ी हद तक सफल हुआ है और बहुत अच्छी सफलता मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी बेसी है उसको हम लोग पूर्ण करके आज एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं कि अब हम हर घर में बिजली दे रहे हैं।